नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। और ये आपका यूपीपीसीएस एमपीपीएससी, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में भी इस तरह के आंदोलन धार लिए हुए हैं, और अपने देश में भी आप लोग देखते रहते हैं। और आप दक्षिण अफ्रीका में देखा था आपने कि भेदभाव के विरुद्ध कितना लंबा संघर्ष चला, तब जाकर वहाँ सफलता मिली हुई है। आप लोग सुनते हैं नेल्सन मंडेला साहब के बारे में, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है उन्हें। तो देखेंगे इस क्लास में कि भेदभाव के विरुद्ध कानून निर्माण की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस की जा रही है। और अभी सबसे पहले बात करेंगे कि किस संदर्भ में यह अभी चर्चा में है। समानता का अधिकार क्या है, भेदभाव का प्रमुख कारण क्या क्या है, पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या क्या है, भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौजूदा कानून क्या है, और नए कानून की आवश्यकता क्यों आखिर पड़ रही है। वैसे तो आपने देखा होगा अपने संविधान में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं 6 तरह के, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकारों में से 48वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। तो देखते हैं चर्चा में आखिर क्यों है। पिछले कुछ दिनों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु, वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डेरेन शैमी के द्वारा भारत में खेले जाने वाले आईपीएल मैचों के दौरान नस्लीय भेदभाव किए जाने का रहस्योद्घाटन, और उत्तर भारत में दक्षिण व उत्तर पश्चिम भारत के लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार भेदभाव के प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में तो अभी भी आप देखते हैं श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव अभी भी किया जाता है। श्वेत लोगों को वहाँ तहजीब दी जाती है, और आप लोग अफ्रीका में भी महाद्वीप में यही देखते थे, दक्षिण अफ्रीका में आपने यही देखा कि वहाँ भी अलग सीटें हुआ करती थी, श्वेत लोगों के लिए अलग, अश्वेत लोगों के लिए अलग। बस में जाने के लिए व्यवस्था अलग होती थी, पार्क उनके लिए अलग होते थे। समझ रहे हैं, भारत में अस्पृश्यता की घटनाओं के समाधान के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, परंतु इस संदर्भ में व्यवस्थित रूप से विधि निर्माण की आवश्यकता है जिसका भारत में अभाव है। स्वतंत्रता के बाद किसी भी प्रकार के भेदभाव से सामाजिक ताने बाने को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में समानता के अधिकार का नारा बुलंद किया गया, यानी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे गरीब, फिर चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार करने की बात की जाती है। भारत में समानता के अधिकार को इतना महत्व देने का कारण यह था कि भारतीय जनमानस को इस बात का एहसास हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के सम्मुख एक समान है, यानी कि संविधान की नजरों में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने वर्ष 2017 में एक निजी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था। प्राइवेट मेंबर, याद रखिए शशि थरूर साहब कांग्रेस के सदस्य हैं। और आपको एक पता होगा, निजी विधेयक वो विधेयक होते हैं जो किसी मंत्री को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस विधेयक को लाते हैं। और आप लोग हमेशा जानते हैं कि विधेयक जब तक राज्यसभा व लोकसभा में रहता है ये विधेयक कहलाता है। जैसे ही आपके राष्ट्रपति की सहमति मिलती है यानी कि सिग्नेचर होता है, ये आपका एक्ट यानी कि अधिनियम में बदल जाता है। जैसे आपका शिक्षा मंत्री ले लीजिए, चाहे कानून मंत्री ले लीजिए, फिर चाहे आप वित्त मंत्री ले लीजिए, अगर वित्त मंत्री वित्त से संबंधित कोई विधेयक आता है, अगर वित्त मंत्री साहब लाते हैं तो वो प्राइवेट बिल नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर कोई अन्य सदस्य लाता है उनको छोड़कर, तो अधिकतर क्या होता है कि विपक्ष के लोग लाते हैं प्राइवेट मेंबर बिल सदन में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसे ही आप लोग प्राइवेट मेंबर बिल यानी ये विधेयक कहते हैं। समानता का अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो बंद समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। समानता के अधिकार के अधीन वर्णित अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में संविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत संपत्तियां, समितियां या फिर किसी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। यानी कि इन्हें विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 है आपका। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं कर सकता, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर आप शायद सोचें कि नीचे जाति का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई सोचे कि ये दूसरी जाति का है, किसी और धर्म का है, या ये महिला है, पुरुष है, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या फिर पूर्णता या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधनों या फिर शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि ये जो भी सुविधाएं इस तरह की सबके लिए बराबर खुली रहेंगी। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। जब पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरोध ही प्रतिषेध करता है, यानी कि राज्य के विरोध भी रोक लगाता है, राज्य भी इस तरह इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति। अगर इस तरह का आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाईकोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था, किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करना है। अस्पष्टता के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सीधा समतलब। अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत, अपवाद स्वरूप सेना और विद्या संबंधी सम्मानों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह की उपाधि नहीं धारण कर सकता है, सेना और विद्या संबंधी को छोड़कर। अगर हम लोग भेदभाव के प्रमुख कारण की बात करें तो भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है, यानी कि पूर्व भी पहले की मानसिकता। अब आप कहेंगे कि महिलाओं के साथ आपने देखा होगा केरल का सबरीमाला मंदिर विवाद और मस्जिदों का विवाद, 3 तलाक का मुद्दा, इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वो कहते हैं कि महिलाओं को पहले से ही मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसी परंपरा को वो लोग अभी भी मानते आ रहे हैं, इसीलिए वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति में संचित उन भावनाओं से है जिनके कारण वह किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान रखता है। सामान्य रूप में सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उनके आधार पर उनके मन में पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लगता है। कई जगह आपने देखा होगा कि जो आदिवासी होते हैं उन्हें घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, आपने इस तरह की घटनाएं भी आप लोग देखते हैं, कहते हैं ये क्षत्रियों के लिए है, तो ये भी आपका भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। पर आपका पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, पित्त सत्तात्मक समाज में महिलाओं से भेदभाव उनके मन में हीन भावना का संचार करता है, इससे महिलाएं सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती हैं, उनके प्रति यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं। उसी प्रकार नस्लीय भेदभाव का एक प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार, अमेरिका में आशोतों के प्रति बुरा व्यवहार के मूल में भी यह नस्लीय भेदभाव ही रहे हैं।
आपने अफ्रीका महाद्वीप में भी इस तरह की भेदभाव को देखा था, जिसका दक्षिण अफ्रीका मुख्य बिंदु रहा है। हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या रही है। जाति आधारित भेदभाव तथा सवर्ण के मूल में पूर्वाग्रह की मानसिकता ही कार्य करती है, यानी कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उसी प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या के मूल में भी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना ही काम करती रहती है। भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौजूदा कानून की अगर हम लोग बात करें तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसा पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। इसे याद रखिए, इससे पूछता रहता है। पता है आपको ये जितने भी एक्ट हैं इस तरह के अधिनियम एमपीपीएससी में बहुत पूछे जाते थे। अब तो सुनते हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है 2020 से, तो अब नहीं, लेकिन उसके पहले 25 25 क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस इसी से पूछ लिए जाते थे, समझ रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पर क्वेश्चंस इससे बनते थे। ये भी आपने सुना होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने का एक अधिनियम है 1989। फिर आपने सुना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम मातृत्व के समय महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है, मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है अर्थात बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यानी कि जब बच्चे को जन्म देती है महिला, उस समय की बात की जा रही है, उसे अगर वो नहीं जाती है काम पर तो उसे उसका वेतन भी मिलेगा और नौकरी की भी सुरक्षा दी जाएगी कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। यानी कि जिस कंपनी में, कोई भी कंपनी है, तो वहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहीं ये अधिनियम लागू होगा। वर्ष 2017 में इसमें अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए, यानी कि 2 बच्चों तक इसका फायदा मिलेगा। मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दी गई है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। संविधान के अनुच्छेद 15, 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा उपदेष्टा के साथ साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया। नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वे उसे भी देख लीजिए। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली में, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आम बात है। यह बात और भी गंभीर तब हो जाती है जब ऐसा नस्ल भेदी व्यवहार मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थनहावला और असम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी सिप थापा के साथ भी किया गया हो। दिल्ली में, यानी कि आप समझ सकते हैं, बड़े, इतने बड़े लोगों के साथ अगर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है तो नीचे के तबके के साथ आप समझ सकते हैं क्या व्यवहार होता होगा। आपने सुना होगा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मुंबई में भी इस तरह के व्यवहार देखने को मिलते हैं। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मृत्यु नस्लवाद की मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोगों द्वारा मारपीट के कारण हो गई थी। गौर बर्ड को लेकर भी हमारे समाज में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन केवल सुंदर
गौरवर्ण कन्या की खोज करते दिखाई पड़ते हैं। टीवी पर सौंदर्य प्रसाधन के विज्ञापन तो एकदम एक कदम और आगे, इन्होंने गोरे रंग को सीधे सफलता से जोड़ दिया है। इनके विज्ञापनों में सांवले रंग बाली उगती जैसे ही इनका उत्पाद इस्तेमाल करती है, अगले ही दिन में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करती दिखाई पड़ती। इसमें आप लोगों ने कई क्रीम भी देखी होंगी कि कोई काला व्यक्ति लगाता है और तुरंत वो गोरा हो जाता है, और आपने देखा होगा कई एक्टर के पति बिल्कुल काले हैं। अगर ऐसा हुआ होता, ऐसा होता भी, तो वो सबसे पहले अपने पतियों को देती, अपने हस्बैंडों को देती। तो मेरा मानना है कि देखिए, ऊपर वाले ने जिस तरह से हमें दिया है उसमें खुश रहिए, काले हैं गोरे हैं जैसे भी हैं। मैं तो बालों में वो मेहंदी लगाने के पक्ष में नहीं हूं। देखिए भाई, ठीक है, ऊपर वाले की कुदरत की है, प्रकृति का नियम है, सफेद हो जाते हैं, हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या ढक के हम उखाड़ लेंगे। जो प्रकृति ने दिया है उसे स्वीकार करना हमारी फितरत है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मुंबई में किया जाने वाला व्यवहार या फिर शांता बंता के नाम पर सरदारों पर बनने वाले जोश हों, सभी में न्यूनाधिक नस्ल भेद वाली मानसिकता शामिल है। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है इसमें, भारत महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर हुए अपमान के कारण नस्लीय घृणा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। भारत में दैविड, मंगोल, आर आदि नस्लों के लोगों सदियों से साथ रहते आए हैं। तो रंग, क्षेत्र, नस्ल, वेशभूषा आदि के आधार पर होने वाला भेदभाव भारत की अनेकता में एकता की भावना को कलंकित करता है। यह संविधान में निहित समानता की भावना पर आघात पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को भेदभाव के विरुद्ध व्यापक कार्य योजना बनाने, इक्वलिटी बिल को संसद से पारित कराने की आवश्यकता है, जो भेदभाव के किसी भी रूप का समाधान करने में सक्षम हो। ये कहानी है आपकी भेदभाव की। एक बात मैं कहूं कि यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई भी नेता है, जैसे गांधी जी को मान रहे हैं या फिर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला को, तो ये लोग मानते हैं लेकिन उनके रास्तों पर नहीं चलते हैं, समझ रहे हैं, उनके रास्तों पर चलना इन्हें पसंद नहीं है, बस वोट बैंक के लिए ये लोग मानते रहते हैं। महात्मा गांधी तो सबको लेकर साथ चलते थे, वो पर्टिकुलर किसी जाति के विरोधी, मतलब जाति पात पर नहीं रहते थे, वो अपना सबको लेकर चलते थे, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सामान्य हो, पिछड़ा हो, कोई भी। लेकिन हमारे नेताओं को देखिए, उनका अलग ही कहानी है, ठीक है।